हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ, अभी अभी एनईपी आई है 2020, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है दीपाली और मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एनईपी की बात करें तो आप जानिए पहले एनईपी है क्या और चेंजेस क्या आई है और अब तक कितनी एनईपी आ चुकी है। एनईपी जब भी मैं कहूंगी तो समझ लीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा कर रही है, ठीक है। तो देखिए, ये जो एनईपी आई है, नहीं, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बदलाव आया है वो 34 इयर्स के बाद आया है, ठीक है। तो देखिए, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो आइडिया है, इसका आइडिया आया, रिफॉर्मेशन आता है, जब भी बदलाव आता है तो उसके लिए क्या होता है, आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है, आपका जो असेसमेंट होता है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेजेस में हो, सब में चेंज लाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एजुकेशन की फील्ड में चेंज लाए हैं, टीचिंग की फील्ड में चेंज लाए हैं, और किस तरीके से असेसमेंट की जानी चाहिए बच्चों की, इसमें चेंजेस लाए गए हैं स्कूल और कॉलेजेस लेवल पर, वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जानिए कि एनईपी कितनी आ चुकी है। तो ये देखिए, ये जो आपकी एनईपी आई है 2020, ये आपकी थर्ड एनईपी है। जी हाँ, ये आपकी थर्ड एनईपी है। उससे पहले 1968 इंदिरा गांधी के टाइम पे एनईपी आई थी, और उसके बाद जो आई थी राजीव गांधी के टाइम पे आई थी 1986 में। आप जानते होंगे 1992 में भी आप एनईपी लाई गई थी, वो एनईपी ज्यादा कुछ नहीं, वो एनईपी 1986 वाले में ही कुछ अमेंडमेंट लाए और उसको इन्होंने 1992 के नाम से किया। बट अब याद रखिए, ये आपकी थर्ड एनईपी है। फर्स्ट एनईपी आई थी 1968 में, फिर आई 1986 में, और अब जो आई है वो आई है 2020 में, ठीक है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले आपको जानना होगा, आप एनसीएफ शुरू से पढ़ते आए हैं, एनसीएफ 2000। अभी आप देखिए, जो एनसीएफ है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका पूरा नाम हो चुका है एनसीएफएसई, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। यही काम करेगा आपके करिकुलम को डिसाइड करने में, और इसकी जो मदद करेगी वो कौन है, एनसीईआरटी, जिसे आप जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, ठीक है, क्लियर है। क्या बताया मैंने आपको, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसके बारे में पूरा डिसाइड करेगा कि क्या क्या करिकुलम है, जो इसके अंदर आपको पूरा फॉर्मेट बताया गया, उसको स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको जो भी सब डिसाइड करना है, जो भी इसको शेप देनी है, वो एनसीएफएसई करेगा। और इसकी जो मदद करेगा, ये किसकी देख रेख में करेगा, तो वो है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि पहले का स्ट्रक्चर कैसा था और अब जो स्ट्रक्चर आया है उसमें क्या बदलाव लाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है, बहुत ही चेंज है। तो देखिए, आप जानते हैं, आप पहले जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप सभी पढ़ते होंगे तो 10+2 की सिस्टम होगा, स्ट्रक्चर होगा। बट इसको चेंज करके आप जो स्ट्रक्चर आया वो क्या आया है, पहले में आप पढ़ेंगे 5 साल का, फिर आपका आया है 3, फिर आया है 3, और फिर आया है 4, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 5+3+3+4, आपके ये सिस्टम में तोड़ा गया, ठीक है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, इससे पहले जान लें कि ये जो 5 वाला, जो आपके जो 5 साल होंगे आप उन्हें कहेंगे फाउंडेशनल ईयर्स, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसे कहेंगे प्रिपरेटरी ईयर्स, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसे कहेंगे मिडिल ईयर्स, और जो लास्ट 4 ईयर्स आप स्कूल में पढ़ेंगे उसे कहेंगे सेकेंडरी ईयर्स। तो इसी तरीके से आपका चेंज हुआ। पहले आप क्या पढ़ते थे, पहले आपका था एलिमेंट्री, जिसे आप बोलते थे प्रारंभिक शिक्षा, और लास्ट में आप पढ़ते थे हायर एजुकेशन, बट इसमें आपका मिडिल विंग होता था, आई नो, ठीक है। बट अब जो चेंज आया वो
बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर गया, फाउंडेशनल है, फिर प्रिपरेटरी है, फिर मिडिल है और लास्ट में आपका है सेकेंडरी। ठीक है, चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे स्कूल सिस्टम की, स्कूल के अंदर जो प्रणाली जो बदली गई है वो कैसी है। तो देखिए, पहले का सिस्टम था 10+2 का, और आप जानते होंगे ये सिस्टम कौन लाया था। तो बताइए ये सिस्टम कौन लाया था, आप जानते हैं 1964 से 1966 में कोठारी कमीशन आया था, डॉक्टर के एस कोठारी के अंडर पे कमीशन आया था और उन्होंने ही 10+2 सिस्टम प्रणाली लाए थे। बट इसको चेंज करके सुब्रमण्यम जी ने चेंज करके कहा 5+3+3+4, जिसके हम बोलते हैं कस्तूरी रंधन की जो कमेटी है। ठीक है, तो उसी के अंदर ये आया है। कौन सा है फॉर्मेट, याद रखिए, फॉर्मेट ही एग्जाम में पूछ ले तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या फॉर्मेट है? 5+3+3+4। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करेंगे फाउंडेशनल ईयर्स की। तो देखिए फाउंडेशन का जो स्टेज है उसमें आपको मैंने अभी बताया कि 5 साल का जो स्टेज है, जो पहले 5 साल है बच्चे के, आप उसे क्या कहेंगे? फाउंडेशन स्टेज या फाउंडेशनल ईयर। तो इसमें इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट है 3 साल का स्टेज और दूसरा पार्ट है 2 साल का स्टेज। ठीक है, तो पहले 3 साल को आप कहोगे आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी। क्या कहेंगे? आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी। और जो बाद का, जो बाद के 2 साल का स्टेज है, उसको आप नाम देंगे क्लासेस 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहुत रूरल एरियाज में देखिए आंगनवाड़ी खुली हुई है, तो उसी आंगनवाड़ी को थोड़ा वाइड करने के लिए आपको यह फाउंडेशन ईयर में आंगनवाड़ी को लाया गया। ठीक है, अब देखिए आप जानते होंगे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे वो 12th या फिर ग्रेजुएट करके लग जाया करते थे, अब उनके लिए भी इसमें संशोधन लाया गया। जो 12 होंगे, जो जिन्होंने 12वीं कर रखी है उनके लिए उनको डिप्लोमा दिलाया जाएगा 6 साल का, और जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है उनके लिए भी आगे प्रावधान बनाए गए। तो मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे उनको भी एजुकेट किया जाएगा, इस एनईपी में लिखा गया है। ठीक है, और जो टीचर्स होंगे उनको टैट एग्जाम क्लियर करना होगा, जो आप फर्स्ट से लेकर 12th तक जो टीचर लगेंगी उनको टैट एग्जाम क्लियर करना होगा, ये एनईपी में स्पेशल मेंशन है, वो हम बात करेंगे आगे। आंगनवाड़ी की बात समझ आ गई आपको। दूसरी बात देखें, जो फर्स्ट 3 ईयर जिसे मैंने कहा था आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी, उसको इन्होंने नाम दिया मल्टी लेवल प्ले वे एक्टिविटी। मतलब बच्चे के हर एक पक्ष को लेके उनको प्ले एक्टिविटी, मतलब खेल कूद की विधियों द्वारा उनके सारे लेवल, मींस बच्चों के लेवल आप जानते हैं 3 तरीके के लेवल होते हैं, उसके माइंड का लेवल होता है, उसके हार्ट का लेवल होता है और उसके हैंड का लेवल होता है। तो तीनों जो लेवल हैं वो बच्चे के आपको प्ले वे एक्टिविटी करवा के स्ट्रॉन्ग करने हैं, उनको प्ले से सिखाना है, ये आंगनवाड़ी वाले प्री प्राइमरी स्टेज में कहा गया। और इसी स्टेज में जो सेकंड, जो बाकी दो थे, मतलब क्लासेस 1 और क्लासेस 2, इसमें कहा गया कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल को डेवलप करें। अब लैंग्वेज स्किल आप जानते हैं भाषा कौशल, तो आप जानते हैं LSRW, जो आप भाषा कौशल को जानते होंगे LSRW। तो देखिए LSRW क्या होता है जी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इन चारों स्किल्स का आपको डेवलपमेंट करना है, बच्चे का विकास करना है। कौन सी क्लास के लिए है? फर्स्ट एंड टू। और ये भी कहा गया कि बच्चों को प्ले बेस्ड मतलब खेल विधि और एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी आप समझते हैं अनुक्रिया कराइए, बच्चे को प्रतिक्रिया कराइए, इसी से ही बच्चे को एक्टिविटी से बच्चों को समझाइए। ठीक है, ये था आपका फाउंडेशन स्टेज या फाउंडेशनल ईयर, कि इसमें बच्चे की देखिए नींव रखी जाती है। आप पीछे फिगर देखेंगे तो आप देखिए बिल्डिंग खड़ी करी गई है बच्चे के लिए, तो ये नींव है, तभी इसे नाम दिया गया फाउंडेशनल ईयर या फाउंडेशन की स्टेज। बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की, जो कि है प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसमें क्लासेस आएंगी आपकी 3 से 5 की क्लास आएंगी, मतलब 3, 4 और 5 क्लास आएगी, और इसमें 8 से 11 तक के एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, 8 से 11 तक के एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया, बस ये कराया गया कि बच्चे को डिस्कवर बनाइए,
अन्वेषण कर्ता बनाइए बच्चे को, बच्चे को एक्टिविटीज के द्वारा क्लासरूम की जो एक्टिविटीज हैं, जो पाठ्यक्रम है वो करवाइए, और इंटरैक्टिव सेशंस क्लासरूम बनाइए। इंटरैक्टिव क्या होता है जी? इंटरैक्टिव मतलब होता है कि मल्टीमीडिया का यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। तो इस स्टेज में बच्चे को ये सब कराइए, ठीक है। डिस्कवरी डिस्कवरर बनाइए बच्चे को, खोजकर्ता बनाइए, एक्टिविटीज करवाइए, और क्लासरूम जो बनाइए वो इंटरैक्टिव बनाइए। अब इंटरैक्टिव भी दो तरीके के होते हैं, एक तो जो टीचर है वो खुद बच्चे से इंटरैक्ट करके डिस्कशन मेथड या फिर डिबेट करके या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के तरीके बहुत होते हैं, तो इन तरीकों से आप बच्चे को इंटरैक्ट करवा सकते हैं, या फिर आप मल्टीमीडिया का यूज कीजिए वो बेस्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरैक्टिव क्लासरूम बनाइए। रोट लर्निंग को बिल्कुल नकारता है ये एनईपी, याद रखिए, ठीक है। आइए देखिए, अब जो आपने बात की थी ईसीई की, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, उसके अंदर जो मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चों को प्ले वे एक्टिविटी करवाइए, डिस्कवरर बनाइए, उसका थोड़ा मैंने आपका एक कंसेप्ट तैयार किया। तो देखिए, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी मतलब बच्चों के अंदर जागरूकता बनाइए, बच्चों को जिज्ञासु डेवलप जिज्ञासु बनाइए, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए, ठीक है। बच्चे को प्रॉब्लम देंगे वो सॉल्व करे, चाहे आपको आप उसे क्विज दीजिए, चाहे उसे कुछ छोटा सा क्वेश्चन दीजिए, चाहे आप उसे कुछ पजल दे दीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए उसे, अच्छा, ठीक है। समस्या समाधान करने वाला बनाइए। नेक्स्ट है, आप बच्चे को आर्ट और क्राफ्ट म्यूजिक, बिल्कुल आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक भी कराएं। रिलेशन विद नेचर, प्रकृति से उसका आमना सामना करवाइए, रिलेशनशिप स्थापित कीजिए। बच्चे को कलर्स शेप्स और अल्फाबेट्स नंबर्स की जानकारी आपको देनी है, रंगों की शेप्स की, अल्फाबेट्स की और नंबर्स की आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट देखें तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन, बिल्कुल सहभागिता और पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग से आप क्या जानते हैं, जो बच्चे आपस में जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप उनकी इंटरेक्शन करवाइए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पे अगर आप जाते हैं तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम है वो बात ठीक है, बट इस बार क्या है, आपके जो पीयर हैं वो भी आपको नंबर देंगे, इस तरीके का प्रावधान भी लाया गया है। जो आपके सहपाठी हैं वो भी आपको एग्जाम्स में आपके नंबर देंगे, वो भी आपके बिहेवियर के लिए, आपके हेल्पिंग नेचर के लिए, आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं इस तरीके का, वो भी आपको नंबर दिया करेंगे, याद रखिए। तो इस तरीके का प्रावधान भी लाया गया है, ठीक है। और देखिए, प्ले वे बेस्ड डिस्कवरी करवाइए, और डिस्कवरी वही मैंने बताया, बच्चे को अन्वेषण करता बनाएं, एथिक्स बच्चे के स्ट्रॉन्ग करें, जो उसके मूल्य हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, उसके अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए वर्क करवाएंगे। अभी आप देखेंगे आगे जाके बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी चर्चा होगी, कि बच्चे के अंदर जो वोकेशनल, वोकेशनल मीन्स क्या होता है, पढ़ाई से हटके एजुकेशन दीजिए, कि जो उसके हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, कॉबलर हो गया, ये सब हमारे हेल्पर्स होते हैं। तो ये सब वोकेशनल एजुकेशन भी हम बच्चे को देंगे, ताकि अगर वो अपनी एजुकेशन की फील्ड में अच्छा नहीं कर पाता है तो उसके पास कुछ हो, ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, ठीक है, खाली ना बैठे, बेरोजगार ना बने। और लास्ट है, बच्चे के लिए इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के एटिकेट्स बिहेवियर को भी आपको डेवलप करना है। इसमें देखिए पिक्चर दिखाई गई है, दादी हैं, बुजुर्ग हैं, तो बच्चे के अंदर ऐसे एटिकेट्स हैं कि वो उनकी हेल्प करता है, तो इस तरीके का भी प्रावधान लाया गया है। चलेंगे आगे, देखिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी होम लैंग्वेज, इसमें बताया गया, स्पेशली इसमें बताया गया है, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चे को वो होम लैंग्वेज उसकी मातृभाषा में ही देंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं वो दूसरी लैंग्वेज देख के पिछड़ जाते हैं, तो इसीलिए अगर आप उसे होम लैंग्वेज का यूज करते हैं बच्चों के साथ, तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी होम लैंग्वेज, ये प्रावधान भी एनईपी 2020 में लाया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड स्टेज की, जिसे हमने नाम दिया था मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज के अंदर जो क्लासेस आती हैं वो आती हैं 6, 7, 8, और जो उसमें एज ग्रुप आता है वो आता है 11 से 14 के बीच में, ठीक है। इसमें एक नया प्रावधान जो लाया गया है वो मैंने यहाँ लिखा है, 10 days बैगलेस पीरियड, 10 दिनों के लिए आपके बैगलेस पीरियड होंगे, मतलब आपके एक
टाइम शेड्यूल फिक्स होगा कि आपके 10 दिन, मतलब हफ्ते में 2 भी हो सकते हैं, हफ्ते में 3 भी हो सकते हैं, या हफ्ते में 1 भी हो सकता है, बट आपको 10 दिन बच्चों के लिए इंटर्न के रखने होंगे, इंटर्नशिप करवानी होगी बच्चों को। इंटर्नशिप कैसे करानी होगी कि वो अपने जो आसपास जो उसके लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, बहुत सारे होते हैं, देखिए नीचे बनाए हुए हैं आपकी, ये सब पेंटर हो गया, नर्स हो गई, ऑफिस गोइंग है यहाँ पे, ये सब आपके क्या है, वोकेशनल्स हैं, ठीक है। तो बताया गया था कि बच्चे को कोडिंग सिखानी है क्लास 6th के बाद, ये प्रावधान में लाया गया है। कहने का मतलब क्या है, जब बच्चा 6th क्लास में हो जाएगा तो बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवानी होगी और बच्चे को उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें बच्चा इंटर्नशिप करेगा। 6th के बाद ये चलेगा स्कूल्स में, याद रखिए। और ये इसलिए लाया गया ताकि बच्चा जो एजुकेशन पढ़ के, आजकल आपने देखा बहुत बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, मेनली लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं और सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो बेरोजगार रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो उसी चीज को फोकस करते हुए कहा गया कि आपको वोकेशनल एक्सपर्ट्स बनाएंगे ताकि अगर आप एजुकेशन की फील्ड में आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं तो आपके पास अपनी जीवन को चलाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग होगी जिससे आप अपना जीवन व्यापन कर पाएंगे। तो ये कहा NEP 2020 ने। ये था हमारा थर्ड स्टेज का एक प्रोमिनेंसी। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ स्टेज की, जो कि है आपकी सेकेंडरी स्टेज। ये लास्ट स्टेज है, ये इसमें जो आपकी क्लासेस आएंगी वो आएंगी 9 से 12, मतलब 9th, 10th, 11th और 12th आएंगी। और जो एज ग्रुप मेंशन किया गया है वो एज ग्रुप है 14 से 18 साल तक का। इसके अंदर दो चीजें लाई गई, पहली चीज क्या थी, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। देखिए जब आप 10th क्लास क्लियर करते हैं या आप 8th क्लास क्लियर करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन होता है बिकॉज ऑफ योर मार्क्स। अगर आपके 10th क्लास में मार्क्स अच्छे आते हैं 70 अबव तो आपको साइंस और कॉमर्स मिल जाती है, बट अगर आपके मार्क्स आते हैं 60 के बिलो तो आपको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज लीजिए। बट अब इस ये सब स्ट्रक्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, इस श्रेणी को बिल्कुल फिनिश कर दिया गया और कहा है कि बच्चे अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, वेयर स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू पिक, मतलब उठाना, चूज करना, एंड चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रक्चर। जो स्कूल में स्ट्रक्चर अवेलेबल है बच्चा उसमें से अपनी सोच के, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये NEP 2020 में बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है जो मुझे अपनी पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद आया। और दूसरी चीज क्या है, द फोकस वुड बी ग्रेटर ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैंने पीछे बताया, एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग द चाइल्ड टू पिक स्टूडेंट्स एज पर देयर इंटरेस्ट इवन टेक्निकल एंड आर्ट्स। इसमें ये बताया गया कि बच्चों के अंदर जो भी जिस भी सब्जेक्ट्स के प्रति उसका इंटरेस्ट है बच्चा वो ले सकता है अपने इंटरेस्ट के अनुसार। बच्चे को मेनली फोकस किस पे किया गया कि जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़े, उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं भाई, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल मतलब होता क्या है मुझे ये बताइए पहले आप। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ एक वर्ड दिया है, क्रिटिकल मतलब क्या होता है, देखिए आपके आज नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है कि बच्चा हर एक चीज के पॉजिटिव को भी देखे, हर एक चीज के नेगेटिव को भी देखे। इस क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड को मैं आपको आज याद करवा देती हूँ। देखिए आप मूवीज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मूवीज बहुत देखते हैं, अब आपने सुना होगा क्रिटिक्स ने ये कहा, क्रिटिक्स ने वो कहा, तो क्रिटिक्स मतलब क्या होता है, जो आलोचना करते हैं, ठीक है। आलोचना करना मीन्स वो उसको हाँ भी कहेंगे, वो उसको ना भी कहेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग वही होती है, किसी चीज को जब आप गहराई से सोचते हो तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ध्यान से सुने और ध्यान से उसको समझें। दिस इज व्हाट आई कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। और फ्लेक्सिबिलिटी तो आप जानते हैं, प्रभाशीलता, लौचशीलता कहते हैं जिसे हम,
ठीक है, तो इस चीज को फोकस किया गया है। और इसके अंदर थर्ड जो पॉइंट आया है वो क्या था, एग्जाम शुड बी ब्रोकन डाउन इन टू इन अ ईयर, जो एग्जाम्स होंगे वो साल में 2 बार किया जाए, ये वाला प्रावधान तो पहले से ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलेंगे आगे। अब हमने अभी तक बात की थी स्कूल एजुकेशन की, बट अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन मींस जब आप स्कूल से पास हो जाते हैं, आपने 12th एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप कॉलेजेस में जाते हैं फॉर एडमिशन। ठीक है, तो हायर एजुकेशन होता है वो। तो देखिए, अब इसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान आया है, वो क्या है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखा जाएगा एडमिशन के लिए, चाहे वो किसी तरीके का बच्चा हो, सभी के लिए एक एग्जाम रखा जाएगा, वो होगा सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एक और बात, इसको जो कंडक्ट करेगी वो उस एजेंसी का नाम भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो उस एजेंसी का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे आप जानेंगे एनटीएसए। तो आप अगले कुछ सालों में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी से इन चीजों को जान लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो क्या कहा मैंने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हर एक एडमिशन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, बच्चे आराम से टेस्ट दें और कॉलेज में एडमिशन लें। पहला प्रावधान हायर एजुकेशन के लिए ये लाया गया। दूसरा बहुत बड़ा प्रावधान जो मुझे बहुत पसंद आया वो क्या है, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शन, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन है, कभी आए कभी जाए आपके ऊपर। इसका मतलब ये है, क्या बोला मैंने, कभी आए कभी जाए ये आपके ऊपर है, इसमें ये बताया गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, क्या कहा, अंडर ग्रेजुएशन विल बी आइदर ऑफ 3 और 4 ईयर्स, जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होंगे वो जो आपको ग्रेजुएट बनाएंगे, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम मीन जो आपको ग्रेजुएट बनाते हैं वो 3 या 4 साल के होंगे, अभी इतना श्योरिटी नहीं आई है, बट इसमें आपको ये ऑप्शन मिला कि आपके पास मल्टी एंट्री या फिर एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। अब मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट है क्या, तो वो देखिए, अगर बच्चे ने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद वो जा सकता है। अगर बच्चे ने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, वो जा सकता है, ठीक है। और अगर बच्चे ने 3 साल पूरे कर लिए तो बच्चे को बैचलर डिग्री मिलेगी, तब वो जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, ठीक है। और अगर बच्चे ने 4 साल पूरे कर लिए तो उसको बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगा, जिसे आप कहते हो PhD, ठीक है। बट इसमें मैंने एक मेंशन नहीं किया, मैं आपको ओरली बता देती हूँ, PhD की जब बात आई गई है तो आपको जानना भी जरूरी होगा। आप जानते होंगे जब आप PhD करते हो तो आपको पहले MPhil करनी होती है, तो उस MPhil को NEP ने नकार दिया, अब आपको MPhil करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट करें PhD कर सकते हैं। अब उसके लिए अलग से प्रावधान आएंगे, बट अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। चले आगे, इतनी बात क्लियर है। हायर एजुकेशन के लिए 2 चीजें थी, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का ऑप्शन है, ठीक है। आइए थर्ड ऑप्शन जो इसमें हायर एजुकेशन में दिया है वो क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेटअप एज सिंगल ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। क्या कहा गया कि जो HECI है ये सभी हायर एजुकेशन को देखेगी, हर एक जो मतलब जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी डिग्रियां हैं, सबको देखेगी, बट इसमें एक्सक्लूड किया गया मेडिकल और लीगल प्रोविजन, जो MBBS होता है और जो लीगल वाले होते हैं उनको इसमें एक्सक्लूड किया गया। मतलब HECI हर की चीज को देखेगी बट मेडिकल और लीगल एजुकेशन को नहीं देखेगी, बस ये बताया गया है। और चौथा जो आया है वो क्या है, ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम। देखिए नीचे आपको दिख रहे हैं पैसे, तो इसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, छोड़ दीजिए, वो आपको समझाने के लिए था कि
देखिए जो भी आपने इस एग्जाम में सीखा है, जो भी आपने एग्जाम में परफॉर्म किया है, उसका आपका ऑनलाइन क्रेडिट के स्कोर्स आएंगे। कहने का मतलब क्या है, जो आपके क्रेडिट होंगे, जो आपके स्कोर्स होंगे, एकेडमिक क्रेडिट होंगे, वो आपके ऑनलाइन आएंगे। और कहीं ना कहीं ये नहीं है कि जो आपके क्रेडिट आएंगे वो ऑनलाइन आएंगे तो वो आपके हमेशा रहेंगे, नहीं, उनकी वैलिडिटी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इसका भी प्रावधान है ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम में, जिसको आप जिसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, जो जो कि आपके होंगे एकेडमिक क्रेडिट्स, जो ऑनलाइन आएंगे और उनकी वैलिडिटी खत्म हो सकती है। ठीक है, ये सब चार प्रावधान हायर एजुकेशन के लिए आए हैं। ठीक है, और अगली जो बात की गई है वो की गई है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं, अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो आप जानते हैं आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का प्रयोग केवीएस ने अपने स्कूल्स में, एमसीडी ने अपने स्कूल्स में, एनडीसी ने अपने स्कूल्स में, एवरी प्राइवेट स्कूल ने अपने स्कूल्स में बहुत ही प्रोफिशिएंसी दी है, इसको बहुत मान्यता दी है। तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में होनी चाहिए, ये कहा एनईपी 2020 ने। उसके लिए जो इनके प्रावधान आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कहा गया जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज करेंगे अपनी टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में, आप अपनी एजुकेशन की प्लानिंग में भी उसको यूज करेंगे। तीसरी बात कही गई, डिजिटल इंडिया का कैंपेन आप चला सकते हैं। चौथी बात कही गई, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी आप ऑनलाइन चला सकते हैं उसको। ठीक है, और पांचवी बात की गई, रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर्स, आप पब्लिक में जो कुछ दिखाना चाहते हैं वो भी आप इस चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए एक और चीज कही गई है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाई गई है, जिसे आप नाम दोगे NETF। तो देखिए, अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो आपको पता होगा एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो मेरी वीडियो से आपको फायदा ये भी होगा कि आपको फुल फॉर्म्स देखने को जरूर मिलेंगे और आप उन्हें उन्हें अपने नोट्स बनाते रहिए। यार, नोट्स तो आपको बनाने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजों का भी है प्रावधान, तो ये सब चीजें आप रीड कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए स्लाइड्स बना दी हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसको पूरा करना, बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला बनाना, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई है। वर्चुअल लैब्स के बारे में नीचे ऑप्शन है, वर्चुअल लैब्स मीन्स होता है जब आपका टेक्नोलॉजी का यूज होता है लैब्स में। ठीक है, ये आप पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टीचर रिक्रूटमेंट की। आधे टीचर्स तो इसीलिए आए होंगे कि इसमें क्या प्रावधान है टीचर के रिक्रूटमेंट की। तो पहला प्रावधान क्या है, जो आप जानते हैं TET एग्जाम्स होते हैं, CTAT होता है, और हर एक स्टेट के अपने अपने टैट एग्जाम है। जैसे राजस्थान का RTAT है, हरियाणा का HTAT है, यूपी का UPTAT है, और भी काफी एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स के लिए उस एग्जाम को बोला गया आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। तो पहली जो सीढ़ी है आपके टीचर बनने की वो क्या होगी, आपका टैट एग्जाम में क्लियर होना। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है और टैट एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, यही बताया गया है, और आपको बताया गया आपका जो कंटेंट है, कंटेंट और आपकी जो पेडागोजी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरी बात कहा गया कि जो टीचर है उसका डेमोन्स्ट्रेशन उसको आना चाहिए और उसका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पहले एमसीडीज, एनडीएमसीज और बाकी स्कूल्स में इंटरव्यूज और डेमोन्स्ट्रेशन सेशन नहीं होता था रिक्रूटमेंट के टाइम पे, बट अब होगा। हर एक एग्जाम में आपको डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आपको बच्चों को पढ़ा के दिखाना होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा, ये बताया है NEP 2020 ने। तो एक बार देख लो, टू चेक पैशन एंड मोटिवेशन फॉर टीचिंग, अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग हायरिंग एट स्कूल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। अगर आप स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स में हायर होना चाहते हो, वहां जुड़ना चाहते हो, तो आपको क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा और इंटरव्यू देना होगा, क्योंकि इस डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू से आपके टीचिंग के लिए पैशन और आपका मोटिवेशन दिखाई देता है। ये NEP 2020 ने कहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू इज कंपल्सरी नाउ। ओके,
थर्ड पॉइंट क्या कहा, टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल, आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में आप बिन ट्वेल्थ करके या फिर बीए करके लग जाते थे, बट उसको अब नकार दिया गया, आपको डिग्री लेनी होगी, साथ साथ आपको टेट एग्जाम प्लस डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू, और उसके बाद आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस पे ऊपर पकड़ भी होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हैं, वरना प्राइवेट स्कूल को भी भूल जाइए। क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने, अगर प्राइवेट स्कूल में आप जॉब करना चाहते हो तो आपको टैट क्लियर करना होगा, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू क्लियर करना होगा, उसके बाद आपकी जो नॉलेज है उस जहां पे आप जिस एरिया में आप पढ़ाओगे उसकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, वरना प्राइवेट स्कूल को भी भूल जाइए, ये कहा गया। और चौथी बात कही गई कि 2030 तक आपको जो मिनिमम डिग्री मिलेगी क्वालिफिकेशन की वो होगी आपकी 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, जिसके बारे में बहुत सालों से चर्चा हो रही थी वो इस एनईपी में आ चुकी है। कहने का मतलब देखिए, साफ साफ सी बात है, अगर आपने ट्वेल्थ के बाद आपको डायरेक्ट बीएड करनी है आप कर सकते हैं, आपको बीए करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बीएड करें, पर उसके लिए आपको 4 साल की बीएड डिग्री लेनी पड़ेगी। और अगर जिसने बीए कर ली है बीएड करना चाहता है तब भी वो 4 साल की डिग्री लेगा, ठीक है। ये बात की गई है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। देखिए अब 2020 तक बोला है, 2020 मतलब 2030 से शुरू होगा, तो उससे पहले आप डिग्री अपनी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस के तरह देखिए, जो अभी तक करंट पब्लिक, मतलब पब्लिक मीन्स होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल और स्टेट का जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे, शिक्षा पे, वो था 4.43% ऑफ जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब तक कितना खर्च हो रहा था, 4.43%, बट अब कहा गया एनईपी में कि आपको टारगेट रखना होगा 6% ऑफ जीडीपी ऑन एक्सपेंडिचर, ऑन एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपको बताया गया, ये आपको याद रखना है, 6% ऑफ जीडीपी पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद क्लास खत्म करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मुझे आपको एंड में बतानी थी वो ये है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत अच्छा पढ़ाव है, क्योंकि देखिए ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था कि आप जब एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आप डायरेक्ट एजुकेशन ही क्यों ना रखो, तो इसका नाम HRD से चेंज करके रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। होप कर रही हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियोस के नीचे अपने कमेंट शेयर करके मुझे बताएं आपको क्या समझ आया और किस तरीके से आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।